है डॉक्टर हीर कुकरेजा मैम, डेंटिस्ट है मैम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव जो फैला हुआ है, उस संदर्भ में देखा जाए तो लोगों में एक पैनिक है। लोग काफी देखा जाए तो हॉस्पिटल में पर्टिकुलर डेंटल है, कई तरह के जो हॉस्पिटल में आने से उनको एक फियर साइकोसिस है। तो आप ये जो फियर साइकोसिस जो बना हुआ है उसको कैसा रिमूव करते हो और कैसा उनको मार्गदर्शन करते हो उस बारे में? सबसे पहले तो नोवेल कोविड 19 जो वायरस है उसके बारे में बेसिक जानकारी देना चाह रही हूँ मैं। नोवेल मतलब नया, जो इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। देन कोविड 19 रिलेट करता है, ये ईयर 2019 में आया है इसीलिए इसका नाम कोविड 19 पड़ा है। एक वायरल है इन्फेक्शन दैट इज फ्लू, वो कॉज कर रहा है ये, जो हाईली कंटेजियस है और जिन पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम है उनकी लाइफ को थ्रेट है। वैसे डेथ रेट देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर बीमारियां, जैसे कैंसर हो गया, उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कैंसर से मरते हैं वर्ल्ड में, उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स टीबी से इन्फेक्ट होते हैं इंडिया में। लोग ये जो पैनिक कर रहे हैं बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है, पैंडेमिक जिसको बोल रहे हैं अपन, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया, इसीलिए पैनिक ज़्यादा है पेशेंट्स में। तो हमको ये सब बातें साइड में रखते हुए अब ये सिचुएशन है कि हमको फाइट कैसे करना है इसको। हमको रूटीन काम पे तो सबको निकलना है, आप हम सब जैसे जानते हैं अनलॉक 2 भी हो गया है। तो इन कोविड 19 के कंटेजियस नेचर को देखते हुए, उसकी मॉर्टेलिटी रेट को देखते हुए हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमको लाइफ आगे कैसे नॉर्मल इससे प्रोसीड करनी है। उसके लिए बहुत सिंपल से गाइडलाइंस गवर्नमेंट बहुत बार बार टीवी पे दिखा रही है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, हाथों से स्प्रेड हो रहा है तो हमको हाथ रेगुलर धोने हैं, कफिंग स्नीजिंग के टाइम पे अपने को एल्बो का प्रयोग करके ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्शन के जो कफ में हैं पेशेंट्स के यूजुअली, तो वो स्टॉप करने के लिए, अपने आप तक लिमिट रखने के लिए हमेशा स्नीज स्टॉप करते टाइम कवर करना है। अपने पास सोप रेगुलर अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर यूज करना है, सैनिटाइजर भी यूज करने के अलग अलग तरीके हैं, वो हर कहीं हर क्लिनिक्स में मेंशनड है, बाहर हाथ कैसे धोना है, सैनिटाइज कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, ये सब नॉर्मल प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए अपने को अभी नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में आते जाना है। रूटीन लाइफस्टाइल में बोला जाए तो अभी हम ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, डेंटल केयर प्रोसीजर्स जो हैं वो भी एसेंशियल सर्विसेज में से एक हैं, तो हम लोग बंद करके शटडाउन करके अब घर पे नहीं बैठ सकते हैं। वो करने के लिए हमको फिर जो प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, हमने यहाँ जैसे क्लिनिक में आईसीएमआर ने हमको गाइडलाइंस दिए हैं, वो सब फॉलो करते हुए बाहर पेशेंट जैसे ही स्टेप करता है उसको शूज उतारने हैं, फीट वॉश करने हैं, फिर अंदर आके उसका टेम्परेचर चेक होता है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो आगे आएगा पेशेंट, उसकी हिस्ट्री ली जाएगी। डिटेल्ड हिस्ट्री में हमने अभी नया पॉइंट्स ऐड किए हैं कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए कि पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर लेनी है। अगर 15 डेज पहले तक पेशेंट बाहर कहीं ट्रैवल किया है तो उसको 15 डेज सेल्फ क्वारंटाइन में रख के उसके बाद कोई भी नॉर्मल प्रोसीजर्स के लिए घर से निकलना है। फिर सैनिटाइजर यूज करना है पेशेंट को, बाहर ग्लव्स दे रहे हैं हम लोग पेशेंट्स को। हर पेशेंट के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेने से पहले हमको आधा घंटा क्लिनिक को वापस स्टरलाइज करना है, जहाँ जहाँ इन्फेक्टेड एरियाज रह सकते हैं, जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि पेशेंट टच किया, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है वो सब एरियाज हमको वापस से स्टरलाइज करनी है। हमारे इंस्ट्रूमेंट हर पेशेंट के बाद हमको ऑटोक्लेव करके स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें स्टरलाइज करना है। जितना हो सके डिस्पोजेबल किट्स यूज करनी है, पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है अब हर प्रैक्टिस का, डेंटल प्रैक्टिस का बोलिए या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस का। तो ये पीपीई किट डॉक्टर्स ने अपने आपके लिए, पेशेंट्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए प्रोवाइड करना एक नेसेसिटी है। पीपीई किट्स डिस्पोजेबल वाली आर बेस्ट टू बी यूज्ड। अगर डिस्पोजेबल वाली नहीं, आप ऑटोक्लेवेबल वाली यूज कर रहे हैं तो वो भी आप हर पेशेंट के पास प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेव हो इसका ध्यान रखा। इसके अलावा तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ये स्प्रेड हो रहा है थ्री एरिया से मेजर, एक ओरल म्यूकोसा यानी मुंह का म्यूकोसा, दूसरा आईज
और तीसरा हाथों से। तो हाथों में अपन ने तो ग्लव्स दे दिए पेशेंट को, ओरल और नेजल म्यूकोजा के लिए मास्क दे दिया। तीसरा है आई, आई से भी म्यूकोजा से स्प्रेड हो रहा है, होता है, इसीलिए आपके स्टाफ को आपको आई शील्ड या आई ग्लेयर प्रोटेक्शन पहन के काम करना, पेशेंट्स को भी आई प्रोटेक्ट करवा के फिर आगे बढ़ना कोई भी प्रोसीजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब तैयारी अपन करके चलें, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू डील विथ। मैम हम ये जानते हैं कि जैसे लॉकडाउन के दरमियान जो कुछ भी अपना ICMR की जो गाइडलाइंस थी, तो सेफ्टी मेजर्स जो डॉक्टर्स लोगों ने उठाए, क्योंकि पेशेंट का बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट होता है, सर्जिकल गाउन बोले आपने या पीपी किट पहन के, वो सब सब जो डिवाइसेस जो है, ये डिवाइसेस का और एक्सपेंसिस बढ़ गया। पहले एक तो पेशेंट नहीं आ गए, ऊपर से डिवाइसेस के खर्चे बढ़ गए, तो ऐसे में तो आप लोगों की क्या जो कस्टमर मतलब जो पेशेंट्स की जो फीस है तो आपने उसको बढ़ा दिया है या किस तरह से? जी बिल्कुल, हमारे एक्सपेंसेस जैसे मोर देन 50% हमारा कॉस्ट बढ़ गया है, तो एटलीस्ट हम लोग 20% रेज दे रहे हैं, हम जो अपना बाकी प्रॉफिट है वो कम करके, लेकिन एटलीस्ट 20% फॉर पेशेंट प्रोटेक्शन, फॉर आर स्टाफ प्रोटेक्शन, फॉर आर प्रोटेक्शन हम रेज किए हैं फीस अपनी। तो पीपल आर केपेबल, पे कर रहे हैं लोग, क्योंकि नेसेसिटी है ट्रीटमेंट तो पे कर रहे हैं, बट जो पुअर हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके लिए चैरिटी भी हमारा फर्ज बनता है करना ऐसे टाइम पे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्राइसिस सबको हैं, तो हम वो भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने किट्स प्रोवाइड करना या कुछ ऐसे चल के आगे स्कीम्स निकालना जिससे डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को बेनिफिट हो, कुछ ऐसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के लिए करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। बीच में हम लोगों ने एक अपना स्टोरी फाइल किए थे, तो उसमें हमें ये पता चला कि जो कुछ क्लिनिक है पर्टिकुलरली वहाँ पे जैसे इन्फेक्टेड पेशेंट्स आते हैं, संक्रमित पेशेंट, तो वो लोग टेम्परेचर नोट करके पहले बात प्रवेश देते हैं, लेकिन जैसे वो रिसेप्शन में आते हैं तो उसका इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो सबसे पहले इन्फेक्टेड होती है, तो ये सारी चीज़ें हाइड करके वो लोग पेशेंट को वापस कर देते हैं। तो ऐसे में तो जब पता चलता पेशेंट बाद में डिटेक्ट होता तो उसको पता चलता कि वो यहाँ ये हॉस्पिटल में गया, ये क्लिनिक में गया, तो उसको भी सील किया जाता है। ऐसा कभी हुआ है धमतोली में, काफी हुआ है। तो ये ऐसे वक्त आप लोग मतलब जो मनावा प्रशासन हो गया, महानगर पालिका के जो प्रशासन हो गए, हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको कैसे कन्वे करते हो चीज को? देखिए सबसे पहले तो फ्यूमिगेशन और एयर प्योरीफायर, ये दोनों चीजें रखना बहुत जरूरी है क्लिनिक में चाहे वेटिंग एरिया में। पेशेंट आता है तो अपने को बाहर से ही टेम्परेचर अपन नोट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो तभी हमको पता चल जाता है कि ये रिस्क पे है पेशेंट। तो हम पेशेंट के तुरंत जाने के बाद फ्यूमिगेशन करना है और एयर प्योरीफायर यूज करना है, उससे जो एयर में वो सर्कुलेट करके गया है वायरस या जो भी हुआ है, तो दैट विल बी जीरो। तो हमारे स्टाफ को भी रिस्क जीरो हो जाएगा और अंदर तो आ ही नहीं रहा है वो वर्किंग एरिया में पेशेंट, अगर बाहर ही डिटेक्ट हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। और बाहर भी रिसेप्शन पे जो है वो प्रॉपर N95 मास्क यूज करना है, बाहर भी जो बैठ रहे हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स उनको प्रॉपर किट्स पहन के ही बैठना है, ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स डिस्पोज करना है, वो सब हमको ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ICMR की जो गाइडलाइंस है उसमें क्लियर कट एक मार्गदर्शक तत्व है, हाई डिफेंस यूनिट का जो एक मार्गदर्शक तत्व ये है कि जैसे अपना पेशेंट जो एंटर होने से पहले उसको बाहर ही सारा का सारा सुविधा मिले, मतलब चेक करने का टेम्परेचर दिन का, वो अंदर क्लिनिक में प्रवेश ही नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा न करते हुए एक्चुअली हॉस्पिटल ऐसा कर नहीं रहे कि मल्टीपल जो हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल में ये सारी की सारी एम्यूनिटीज फैसिलिटीज है, तो इस बारे में आप क्या कहूँ? वो नहीं कर रहे हैं तो वो एकदम गलत प्रोसीजर है। गार्ड हर कहीं है आजकल, बड़े बड़े होटल्स में हम देख रहे हैं कि बाहर गार्ड टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, सैलून्स में कर रहे हैं बाहर, तो वो उन्होंने अपने स्टाफ को बाहर एंट्रेंस पे ही ट्रेन करके अंदर स्क्रीन करके ही पेशेंट को जाने देना चाहिए। जैसे आपने यहाँ बाहर देखा होगा, हमने बाहर सब एंट्री पर ही थर्मोमीटर, पैर और ये सब हैंड वॉश करने के लिए सैनिटाइजर वगैरह एंट्री पे ही रखा है, तो आधा अपना रिस्क वहीं खत्म हो जाता है कि अगर पेशेंट कैरियर है वायरस का तो अंदर कैरी नहीं करके आ जाए कम से कम। मैं डॉक्टर हीर कुकरेजा, डॉक्टर हीर मल्टी स्पेशलिटी डेंटी क्लिनिक और इम्प्लांट सेंटर से बात कर रही हूँ। आज आप सबको थ्री बेसिक लॉज
कोविड 19 के, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखिए, घर से निकलते टाइम मास्क जरूर पहनिए, ग्लव्स का यूज जरूर कीजिए और जरूरत ना पड़ने पर घर से नहीं निकलना है। आप लोग अगर जिम्मेदार नागरिक बनकर ये तीनों रूल्स फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली कोविड 19 को मात दे सकते हैं। उसके बाद आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, मेरी तरफ से मेरे सारे सीनियर डॉक्टर्स, टीचर्स, सबको मैं हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहती हूँ। और जो 24/7 सिर्फ डॉक्टर भी नहीं, पुलिसकर्मी बोलिए, सफाई कर्मचारी बोलिए, जो सब कोविड 19 को फाइट करने के लिए लड़ रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।